अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आसिफ और आज मैं आपको क्रंची एक फिंगर दिखाने वाली हूँ। बहुत इजी है, सिंपल है। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये दो अंडे हैं, प्याज है, कोथमीर है और हरी मिर्ची है। एक बड़ी चम्मच दूध है, आप दूध के बदले पानी भी ले सकते हो, पर दूध से फिंगर है ना वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से अच्छी क्रंची होगी। ये ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का पाउडर और दूसरा कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। सबसे पहले क्या करती हूँ, इसमें ये एक बड़ी साइज की प्याज है और कोथमीर है, ये इसमें डाली, ये एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक जो ज्यादा डालती हो मतलब अंडे के हिसाब से भी, और ये लाल मिर्च पाउडर। सिंपल इजी है, ज्यादा सामान भी आपको नहीं चाहिए और रमजान में अभी न्यू भी आप भी बनाना। और ये एक चम्मच दूध है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको पहले स्टीम पे पकड़ने का है, फिर इसको चिप्स करके मतलब फिंगर करके इसको फ्राई भी कैसे करने का वो भी सब बताती हूँ। तो ये सब हुआ, तो ये जो दो अंडे है ना इसको अच्छे से पहले फेंट लेती हूँ। अगर आप कीमा या फिर चिकन नहीं खाते हो तो ये ट्राई करना हो, ये रेसिपी बहुत इजी भी है और सिंपल भी है, आप कभी भी बना भी सकते हो। इधर मैंने क्या किया है, एक पतीले में पानी गर्म करने को रख दिया है, इसमें ये मेरी पुरानी बिचारी छलनी को रखा है, तो इसको ज्यादा इसमें मसाले भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, अच्छे से मिक्स हो गया। तो पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, अभी एक ऐसे प्लेट रखती हूँ इसके ऊपर, और इसमें ये जो अंडे का है ना ये डालती हूँ। और इसको 15 से 20 मिनट तक ढक के, मतलब 20-25 मिनट होगी ढक के, इसको स्टीम पे पकने देती हूँ। बाद में क्या करने का है वो स्टेप मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हो अच्छे से पक गया है, रुको दिखाती हूँ। तब इसको गैस बंद करती हूँ, इसको बाद में निकालती हूँ, फिर इसकी फिंगर कैसे बनाने की वो बताती हूँ। देख सकते हो ये उबल गया है, इसको प्लेट में मैंने इसमें से निकाल लिया है, आप देख सकते हो इसमें से। अब इसको क्या करते हैं, पीस करने का है, इजी सिंपल है, तो आप जरूर ट्राई करना और मुझे याद से कमेंट में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसमें पानी भी डाल सकते हो, पर एक चम्मच दूध की वजह से क्या होगा, सॉफ्ट अंदर से होगा और बाहर से अच्छे से क्रिस्पी होंगे। और अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो नहीं डालना हो तो नहीं भी डाल सकते, आपके ऊपर है। थोड़े ऐसे उल्टे सीधे काम करती हूँ तो रेसिपी भी कभी कभी अच्छी बन जाती है मेरी। यह सब हुआ, अभी ये क्या किया है, टोस्ट का पाउडर किया है, मतलब ब्रेड का भी चलता है टोस्ट का भी चलता है, चाय के साथ खाते हैं वो टोस्ट का पाउडर। और ये क्या है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच चावल का आटा है। चावल का आटा आपके पास नहीं हो तो मैदा भी चलता है, पर मेरे पास था तो मैं ये यूज कर रही हूँ। और ये एक अंडा है, इसमें जरा मैंने नमक डाला है। तो अभी सबसे पहले क्या करने का, ये है ऐसा एक ऐसा छोटा पीस लेने का, इसमें ये 2 आटे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें इसको डिप करने का ऐसा, फिर एक दो आपको दिखा देती हूँ, फिर सब कर लेती हूँ। फिर ऐसे अंडे में डिप करने का, फिर ये ब्रेड के, इसमें ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। फिर अंडे में मतलब अंडे की कोटिंग और ये जो टोस्ट के पाउडर की कोटिंग है ये 2 बार करने की है, ये देख लिया आपने ऐसा करके। इधर साइड में ऐसे सब रखती हूँ, ऐसे सब पीस के सब साइड में ऐसे करके रखती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फिर मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने एक फिंगर कर लिए, सब बना लिए।
तेल भी अच्छे से फ्राई करने रख दिया है। ठीक है, तो करते हैं अभी डायरेक्ट इसको डिप करने का रहता है। अभी एक दो ही जल्दी आपको दिखा देती हूँ, बाद में सब करूंगी। वेरी इजी है, सिंपल है, आप जरूर ट्राई करना, मुझे याद से कमेंट बताना। थोड़ी न्यू डिश है तो आपको रमजान में इजी होगी, रमजान में नहीं कभी भी मेहमान ने वो है तो आप बना सकते हो। और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी होगी। थोड़ा देर तो लगे बीच, फिर सब फ्राई कर लूंगी और जल्दी आपको सर्व करके बताती हूँ। कलर आने देने का है। अच्छी लगी ये रेसिपी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और पहली बार मेरा चैनल देखो तो जरूर सब्सक्राइब और बेल का निशान दबाना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आसिफ उंदेला करके। तो सिंपल भी है, इतना कुछ है नहीं कि ये घर में नहीं है वो घर में नहीं है, बस हो गए अब देख सकते हो। तो इसको निकालती हूँ, निकालती हूँ और फिर अभी ये सब फ्राई कर ले। ये क्रिस्पी एग फिंगर रेडी है, वेरी इजी सिंपल है। तो इस साल आप जरूर रमजान में बनाना, और मुझे ऐसे कमेंट में बताना कि वेरी सिंपल आपको क्रिस्पी एग फिंगर कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगे तो वो भी मुझे ऐसे कमेंट में बताना। और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब और बेल का निशान दबाना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आसिफ उंदेला करके। तो ये तो मैं खा नहीं सकती, आप खाओ। चलो बहुत क्रिस्पी भी है तो अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट है। तो अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। इसको टोमेटो केचप के साथ, ग्रीन फूड की चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। मैंने ऊपर से ऐसे डेकोरेशन के लिए टोमेटो केचप डाला है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।